हेलो क्लास वन, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एडिशन यूजिंग रीग्रुपिंग। आज हम जानेंगे कि एडिशन में रीग्रुपिंग का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्लास फर्स्ट एग्जांपल इज एट 37 एंड 43। हमने इन्हें ऐड करना है, हमने इन्हें प्लस करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है कि मैं किस तरह से एडिशन कर रही हूँ। फर्स्ट देखो, ये टेंस एंड ये वंस, ये आप जानते हो कि इसे हम क्या कहते हैं, टेंस, एंड दिस वन इज वंस। स्टूडेंट देखो, 37 प्लस 43, मैंने ये सर्कल यहाँ पर क्यों लगाया है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो 37 प्लस 43। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे स्टार्ट करना है, आपने हमेशा वन साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ऐड द वंस फर्स्ट, हम सबसे पहले वंस को फर्स्ट करते हैं। वंस क्या है यहाँ पे, 7 प्लस 3। ओके, तो हम वंस को पहले प्लस करेंगे। सो 7 इन योर माइंड, अब हम किस तरह से करेंगे, मैंने आपको बताया 7 इन योर माइंड एंड 3 ऑन योर फिंगर टिप्स। सो आप टिप्स पे भी कर सकते हो, अगर आपको मुश्किल हो रहा है तो आप फिंगर्स पे भी कर सकते हो। ठीक है, 7 इन योर माइंड एंड 3 ऑन योर फिंगर, स्टार्ट एडिंग 8 9 10। सो 0, अब जो 10 है क्लास, देखो 10, मैंने कहा था ना आपको कि 9 से बड़ा नंबर जब आएगा, तो 9 से तो बड़ा नंबर है। ठीक है, तो 10, अब हम 10 यहाँ पर नहीं लिख सकते, वंस में 10 नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, रीग्रुपिंग। स्टूडेंट रीग्रुप 10 वंस, अभी कितने वंस हैं, 10 वंस एज 110। तो हमने क्या कर दिया, राइट 0 इन द वंस प्लेस, हमने 0 को वंस प्लेस में लिखा एंड 1 को हमने कैरी कर दिया, कैरी ओवर 1 10 टू द टेंस प्लेस, और 1 को हमने कैरी कर दिया कहां पर, टेंस प्लेस में। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये क्या था, 1 10 0 1। ठीक है, तो 0 1 को हमने यहां लिख दिया और 1 10 को हमने कैरी कर दिया। इस तरह से करने हैं स्टूडेंट, ये इसे हम कहते हैं रीग्रुपिंग। स्टूडेंट अब सेकेंड स्टेप क्या है, ठीक है, सेकेंड स्टेप इज एट द टेंस, अब हम करेंगे टेंस को ऐड। तो टेंस के पास क्या क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 4, हम जो कैरी किया है हम उसको भी ऐड करेंगे। तो पहले उसी को ऐड करो, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। नाउ 4 को माइंड में रखो, 4 इन योर माइंड एंड 4 ऑन योर फिंगर, स्टार्ट एडिंग, आप इस तरह से भी कर सकते हो और फिंगर टिप्स पे भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स योर विश, जो भी आपको ईजी लगता है आप उस तरह से कर सकते हो। सो 4 इन योर माइंड एंड 4 ऑन योर फिंगर, स्टार्ट एडिंग 5 6 7 8। सो यहाँ पर क्या आ गया, 8। तो आंसर क्या है, 80, 37 प्लस 43 इज इक्वल टू 80। ओके, नेक्स्ट क्लास, अब मैं आपको नेक्स्ट करके बताती हूँ, आपने ध्यान देना है दोबारा से। एग्जाम्पल 2, एड 45 एंड 27। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, टेंस एंड वंस, और ये देखो हम इसके लिए यूज करते हैं कैरी, जो हमारे पास कैरी करना होता है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं, 45 प्लस 27। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया, ऐड द वंस फर्स्ट, हम वंस को ऐड करेंगे, 5 प्लस 7। ओके, 5 इन योर माइंड एंड 7 ऑन योर फिंगर टिप। देखो अब स्टार्ट करो, 5 इन योर माइंड एंड 7 ऑन योर फिंगर टिप, स्टार्ट एडिंग 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आपका 7 कहाँ आता है, यहाँ पर, तो ये कितने हो गए, 12। तो स्टूडेंट्स अब देखो 12 आ गया हमारे पास, 12 वंस आ गए, 9 वंस से ज़्यादा, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रीग्रुपिंग 12 वंस। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम 2 को यहाँ पर लिखेंगे, राइट 2 इन वंस प्लेस। ठीक है, हमने वंस प्लेस में 2 को लिखा एंड 1 को हमने कैरी कर दिया, 110 को हमने कहाँ कैरी कर दिया, इन टेंस प्लेस में। ठीक है, 1 कैरी ओवर हेयर। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एट द टेंस, टेंस में क्या है, 1 प्लस 4 प्लस 2। तो पहले कर लो 4 प्लस 1, अब जो कैरी है पहले उसे प्लस कर लो, 4 प्लस 1 5। नाउ 5 इन योर माइंड एंड 2 ऑन योर फिंगर्स, स्टार्ट एडिंग 6 7। सो यहाँ पर क्या आ गया, 7। तो आंसर क्या है क्लास, 72। ओके क्लास, आपने स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है कि हमने किस तरह से किया है। लाइक इस क्लास,
एक्टिविटी 5 रीग्रुप एंड ऐड, हमने इन्हें रीग्रुप करना है और ऐड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप किस तरह से करोगे, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर है 25 + 15, तो हमने किस तरह से किया, पहले ऐड द वंस फर्स्ट, 5 + 5, 5 इन योर माइंड एंड 5 ऑन योर फिंगर्स, स्टार्ट एडिंग 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 वंस। तो स्टूडेंट हमने 0 1 कहाँ लिख दिया, यहाँ पर हमने 0 लिख दिया एंड 1 कैरी ओवर इन द टेंस प्लेस, और 1 10 को हम कहाँ लेंगे, इन द टेंस प्लेस। सो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप स्टूडेंट्स, एट द टेंस 1 + 2 + 1, सो 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, तो आंसर क्या आ गया, 40, 25 + 15 = 40। स्टूडेंट नेक्स्ट वन मैं आपको करके बता देती हूँ, बाकी आप अपने आप करोगे, लाइक जो सेकंड है वो आप अपने आप करोगे, मैं आपको थर्ड बता रही हूँ, ठीक है। 56 + 25, ओके 56 + 25, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। सो ऐड द वंस फर्स्ट, पहले हम वंस को ऐड करेंगे, 6 + 5, तो 6 इन योर माइंड एंड 5 ऑन योर फिंगर, स्टार्ट एडिंग 7 8 9 10 11, सो 11, ये कितने वंस हो गए, 11 वंस। तो हम इसको कैसे रिग्रुप कर देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 1 एंड 1 को हम कहाँ कैरी करेंगे, 1 10 को इन द टेंस प्लेस, ठीक है। देखो ये 11 है ना, 1 को हमने कहाँ कर लिख दिया, वंस प्लेस में, और 1 को कहाँ ले गए हम, टेंस प्लेस में, ठीक है। सो 1 + 5 + 2, अब हम करते हैं इसे, 5 + 1 = 6, नाउ 6 इन योर माइंड एंड 2 ऑन योर फिंगर, स्टार्ट एडिंग 7 8, सो यहाँ पर क्या आ गया, 8, और ये क्या आ गया आंसर, 81। ओके क्लास, क्लास आपने इसी तरह से एक्टिविटी 5 को पूरा कंप्लीट करना है। क्लास इट्स योर विश कि आप इन्हें अपनी फिंगर टिप्स पे भी कर सकते हो एडिशन, और आप अपनी फिंगर्स पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो एडिशन है वो आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। जो भी स्टेप है, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप इन्हें करना है, ठीक है, और रीग्रुपिंग का ध्यान रखना है, कैरी ओवर का ध्यान रखना है। ओके क्लास, इसी तरह से आपने एक्टिविटी 5 को पूरा कंप्लीट करना है। ओके थैंक यू।